तो देखो हमारे ड्वेन जॉनसन द पीपल चैम्प द रॉक रिसेंटली रॉक के अंदर आए थे और ये 6 महीने के अंदर ही अंदर द रॉक की दूसरी अपेयरेंस थी। तो दो बार ऑलरेडी द रॉक अपनी शक्ल दिखा चुका है, ये मुखड़ा एक बार फिर से कब दिखाएंगे, यानी कि द रॉक की जो नेक्स्ट अपेयरेंस है WWE के अंदर उसके बारे में डिस्कशन होगा इस वाली वीडियो में। प्लस जो मंडे नाइट रॉक की रेटिंग्स है द रॉक के आने से बढ़ी है, बात हम लोग सैमी जेन के बारे में करेंगे एक बार फिर से बिकॉज वो WWE से बाहर जा चुके हैं, हल्क होगन के रिटर्न और ट्रिपल एच की जो मैसिव अनाउंसमेंट है वो TNA का क्रॉस ओवर नहीं होगा। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो थोड़ी लेट सी हो गई है, लेकिन फिर भी ये कुछ अपडेट्स हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे द रॉक के अगले अपीयरेंस और भी कुछ चीजें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वीडियो को शुरू करेंगे द सुरेबल असासिन द गेम ट्रिपल एच के साथ में। ट्रिपल एच जो है वो आने वाले टाइम में जो WWE का प्रीव्यू स्पेशल होगा ना वहां पे अपनी मेजर अनाउंसमेंट करेंगे। कल मैंने तुम्हें एक अपडेट दी थी कि जो TNA है अब उनके जो स्पेशल शोज होते हैं उन्हें भी वो लोग प्रीमियम लाइव इवेंट्स कहेंगे। देखिए फैंस के अंदर इस बात की स्पेकुलेशन ला रहा था कि मे बी TNA और WWE का क्रॉसओवर होगा और ट्रिपल एच उसी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं आने वाले WWE प्रीव्यू स्पेशल 2024 के ऊपर। तो तुम लोग को बता दो रिसेंटली PW इनसाइडर की तरफ से अपडेट आई है सामने, उनके अकॉर्डिंग जो ट्रिपल एच की मैसिव वाले अनाउंसमेंट है जो ह्यूज अनाउंसमेंट है उसका TNA क्रॉसओवर के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि क्रॉसओवर हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन ट्रिपल एच स्पेशली WWE प्रीव्यू स्पेशल के ऊपर इस वाली चीज को अनाउंस नहीं करेंगे, उनकी मैसिव अनाउंसमेंट कुछ और होगी। इवन तुम लोग को बता दो कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है उनकी जो पूरी चीजें है ना वो मे भी किसी स्टोर लाइन से कनेक्टेड भी नहीं होंगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा ये अनाउंस कर देंगे भैया द रॉक का इस वाली फलाना तारीख को मैच होने वाला है, शायद वो ऐसा भी कुछ अनाउंस नहीं करेंगे। अब ये क्या ट्रिपल एच मैसिव अनाउंसमेंट है, मुझे लग रहा है ये तो टोनी खान की सभी अनाउंसमेंट से मिलकर बड़ी होने वाली है। लेट्स सी क्या ट्रिपल एच अनाउंस करेंगे WWE प्रीव्यू स्पेशल के ऊपर। और ऑफकोर्स इंडिया के अंदर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो कल सुबह 6:30 या 7 बजे की टाइमिंग है, इसी के अराउंड जो ट्रिपल एच है सुबह सुबह अनाउंसमेंट कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि तुम लोग आसानी से जान पाओ कि वो स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। इस बार ये हल्क होगन के बारे में जुड़ी है। हल्क होगन WWE कंपनी के अंदर एक लंबे टाइम से दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो टाइम टू टाइम अपनी छोटी मोटी जो अपीयरेंसेस हैं वो देते रहते हैं कंपनी के अंदर। लेकिन तुम लोग को बताऊं हुआ क्या है रिसेंट टाइम के अंदर, WrestleWords की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। WrestleWords ने बात रिवील की है कि जो WWE वाले हैं वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे हैं हल्क होगन की, यानी कि हल्कामेनिया 40th एनिवर्सरी जो है वो WWE कंपनी सेलिब्रेट करेगी। लेकिन अभी तक जो चीजें सही से प्लान नहीं हो पाई हैं, यानी कि न्यू मर्चेंडाइज हो गए, कलेक्टेबल्स हो गए हल्क होगन के, ये सारी चीजों को जो है WWE धीरे धीरे करके प्रिपेयर कर रही है। एंड अभी फिलहाल क्वेश्चन के अंदर बात यह है कि भाई हम सेलिब्रेट तो कर लेंगे लेकिन उसकी डेट क्या होने वाली है, तो डेट वेट अभी फिलहाल कंफर्म नहीं। बाय द वे इसको लेकर फैंस को उल्टा ही रिएक्शन आया सामने, बिकॉज लोग कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए हल्क होगन, उसके एनिवर्सरी वगैरह घंटा हम लोग सेलिब्रेट नहीं करना चाह रहे। तो ये कुछ बातें कि हल्क होगन की WWE एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी, लेकिन चीजें अभी तक पूरे तरीके से कंफर्म नहीं कि वो होने कब वाला है। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ। एक ये फॉर्मर NWA वुमेन्स चैंपियन के बारे में जुड़ी है। NWA बेसिकली एक और इंडिपेंडेंट प्रमोशन है, WWE छोटे मोटे सुपरस्टार्स को देखती रहती है ताकि अपनी कंपनी में साइन करवा सके, उनका बिल्ड कर सके एंड इवेंचुअली उन्हें बड़े स्टेज के ऊपर यानी कि WWE के अंदर कम्पीट करवा सके। तो वह क्या रिसेंट टाइम में अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ तो कैमाइल एक नाम आया सामने जो कि एक फॉर्मर NWA वुमेन्स चैंपियन है और WWE चाहती है कि वह NXT ब्रांड के अंदर आके कंपीट करें, इसलिए कंपनी उन्हें साइन करवाने के बारे में सोच रही है। एनी वन तुम लोग को बता दूं कैमाइल ने बहुत बार अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाया, इवन उन्होंने अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा भी है कि WWE के अंदर वो आना चाहती हैं, वो अपना डेब्यू वगैरह करना चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने WWE का ट्राईआउट दिया था, वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बाय द वे देखो मैंने उनके मैचेस वैचेस नहीं देखे, लेकिन मे बी वो प्रॉमिसिंग स्टार बन सकती हैं। लेट्स सी WWE कंपनी क्या होल्ड करती है और क्या वो उन्हें NXT के अंदर डेब्यू वेब्यू करवाती है या फिर नहीं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। इस बार सैमी जेन के बारे में जुड़ी है। सैमी जेन का एक बार फिर से WWE के अंदर कमबैक हुआ था एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वो लाइव इवेंट के अंदर वापस आए थे, लेकिन शायद अब जो सैमी जेन है WWE से फिर से कुछ टाइम के लिए गायब हो चुके हैं। द रीजन बिहाइंड रिसेंट टाइम में लाइव इवेंट होता है और December 29 का लाइव इवेंट था पिछले साल वाला, टोरंटो के अंदर शो हुआ था और यहां पर फिन बैलर के साथ में जेन ने फेस किया था एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। मैच में हुआ क्या था कि जो थोड़ी बहुत इंजरी है, रियल इंजरी में कहूंगा, सैमी जेन को सफर करनी पड़ी, इसलिए 15 स्टेपल्स उनके हेड के ऊपर लगे हैं। ये वो रीजन है शायद जो सैमी जेन है वो WWE से कुछ टाइम के लिए बाहर रहने वाले हैं। मेरी तरफ से स्पीड रिकवरी विशेज है हमारे फॉर्मर और इन रिव्यूज के लिए एंड आई रियली होप सैमी जेन एक बार फिर से काफी जल्दी रिकवर कर लें। आई मीन बताता है तुम एक WWE सुपरस्टार हो, लोग कहते हैं फेक है ऐसा है वैसा है, लेकिन एक सुपरस्टार होना भी WWE के अंदर ईजी नहीं है। वो शायद तुम लोग सैमी जेन की इस वाली इंजरी, जितने भी सुपरस्टार जो डेविस्टेटिंग इंजरी सफर करते हैं जैसे शार्लोट फ्लेयर को हो गई थी, वो चीज़ बताती कि इन लोगों की लाइफ उतनी आसान नहीं होती जितनी हमें देखने में लगती है। अगली जो अपडेट है
मंडे नाइट रॉक एपिसोड की व्यूअरशिप या फिर कह लो रेटिंग के बारे में जुड़ी है, ओवरऑल रॉक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और स्पेशली जो द रॉक का सेगमेंट हुआ था उसकी व्यूअरशिप कितनी आई थी। देखिए बात करें ओवरऑल मंडे नाइट रॉक एपिसोड की, साल का पहला शो था, ऑडियंस बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए यहाँ पर जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.75 मिलियन, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी खासी मंडे नाइट रॉक रेटिंग रिसीव हुई है। यूजुअली 1.4 1.3 मिलियन ऐसी कुछ रॉक की रेटिंग्स आ रही थी, लेकिन फाइनली इसको 1.75 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि मेरे हिसाब से एवरेज रेटिंग अच्छी खासी है। फाइनल के अंदर जो रेटिंग है वो 1.9 तक इजीली टच हो ही जाएगी। बात करते हैं स्पेसिफिकली द ड्वेन जॉनसन पीपल शैम द रॉक के सेगमेंट के बारे में, तो वो जो सेगमेंट था जयेंद्र महाल के साथ में वो हाईएस्ट सेगमेंट था मंडे नाइट रॉक का, बिकॉज इस टाइम जो व्यूअरशिप पॉप हुई थी वो आई थी 2.15 मिलियन। तो देखो मैं इतना कहूंगा कि बेसिकली ये तो रॉक नंबर्स नहीं लाए हैं, ये वो फॉर्मर चैंपियन वाली चीज ज्यादा नंबर लाई है। देखो हुआ क्या, देखो मान लो कि शो स्टार्ट हुआ, ठीक है, फॉर्मर चैंपियन की अनाउंसमेंट इस टाइम पे होगी, तो फैंस ने ट्यून इन किया ये देखते हुए द रॉक आएंगे, जबकि द रॉक ऑफिशियली वे में शो के लिए अनाउंस नहीं थे। उसके बाद द रॉक आया, उनका 10 मिनट तक सेगमेंट चला, ये सारी चीज हुई, तब जाके धीरे धीरे करके रेटिंग बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल ये दिखाता है कि फैंस कितना एक्साइटेड थे फॉर्मर चैंपियन के लिए, एंड स्पेशली इस वाली चीज के लिए कि जो द रॉक है वो वापस आएंगे। द रॉक आए हैं WWE के अंदर वापस, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर उनकी अपीयरेंस ऑफिशियली वे में अनाउंस होती ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेटिंग्स है, यहाँ पर जो नंबर्स हैं, वो और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, जो आज की हमारी फाइनल न्यूज है वो ड्वेन जॉनसन द रॉक के बारे में ही जुड़ी है। लेकिन बात करते हैं द रॉक की अगली अपीयरेंस के बारे में, बिकॉज वो रॉक के डे वन के अंदर आए, इससे पहले वो लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में स्मैकडाउन में आए थे ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ, लेकिन अब रोमन रेंस के खिलाफ या फिर अब द रॉक जो है वो WWE के अंदर कब आएंगे, इसको लेकर रिसेंट आमे देखो आज सच कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन का मानना यह कि मे बी जो द रॉक है उनकी अगली अपीयरेंस रॉयल रंबल शो में भी हो सकती है, या फिर जो रॉयल रंबल के बाद वाला फॉलोआउट एपिसोड होगा स्मैकडाउन का, वहां पर द रॉक अपीयर हो सकते हैं, एंड इवेंचुअली आके वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए अपना बिल्ड करेंगे। एलिमिनेशन चेंबर के लिए द रॉक हो सकता है मे बी शेड्यूल भी कर दी जाए ऑफिशियली वे में, WWE ने अनाउंस करती हुई नजर आए। एंड इवन देखो तुम लोगों को मैं ये बता दूं कि अगर रोमन और द रॉक का मैच हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि द रॉक WWE के अंदर आएंगे ही नहीं या फिर वो रेगुलर आएंगे, वो बहुत नाक के बराबर अपीयरेंस देंगे। लेकिन ऑफकोर्स रेसलमेनिया से पहले अगर रेसलमेनिया में रोमन वर्सेस रॉक हो रहा है, तो मैं एटलीस्ट 3 से 4 अपीयरेंसेस द रॉक की दिखाई देने वाली है, और आई गेस वो इनफ है द रॉक वर्सेस रोमन के फ्यूड को पूरा हाइप अप करने के लिए, पूरी उसकी बिल्ड मेंटेन करने के लिए। लेकिन रॉयल रंबल में शायद वो रोमन को आके कन्फ्रंट कर सकते हैं, या फिर रॉयल रंबल के बाद एक स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आएंगे, ताकि एलिमिनेशन चेंबर के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाए और इवेंचुअली फेस कर पाए रोमन रेंस का। तो ये कुछ बातें कि एटलीस्ट फैंस को भी 1 महीना तो इंतजार करना पड़ेगा ड्वेन जॉनसन की अगली अपीयरेंस के लिए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो, अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, एंड ऑफ कोर्स साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी, टिल देन बाय बाय टेक केयर।